बसमिलंबर नौ निकालिए बारी फरमाते हैं वाल इन और यकीन अगर अवक ना हम चखाए अलसान इन्सान इंसान को मिन ना अपनी तरफ से रहमत कोई रहमत सुम न फिर नजराना हम उससे वो छीन लें वो छीन लें मुरा रमत है मिन हो उससे इन्ना हो बेशक वो लया ऊसन यकीन बहुत नाउमीद कफूर बेहद ना शुक्र हो जाता है अवकना रौक़ा उर्दू में इस्तेमाल होता है उसी से चखना इमाम शौकानी रहम् फरमाते हैं अजकना के लफ से अदना से अदना नमत थोड़ी सी मुद्दत के लिए मिलना वाज हो रहा है पहले हम इसायद का बाहवरा तर्जमा देखते हैं और यकन अगर हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाएं फिर उसे उससे छीन लें तो बेशक वो यकीन नहायत ना उम्मीद बेहद न शक्रा हो जाता है मफह के लिए हम आ, अगली आयत को भी पढ़ते हैं वाला इन और यकीन अगर अजक नखाए उसे नमा कोई नमत बा तकलीफ के बाद मस्सत हो जो उसे पहुंची हो यकीनन ज़रूर वो कहेगा लाम ताकीद के लिए होता है इसी तरह आखिर में नून ताक़ीद दर ताक़ीद के लिए होता है तो इसका तर्ज़मा फिर क्या हो जाता है यकीन जरूर यानी तीन ताक़ीदें जमा हो जाती हैं इस है इसी तरह आखिर में ताक़ीद के लिए होता है तो यकीन जरूर वो कहेगा वहा दूर हो गई चले गई अस आतू तमाम तकलीफें आनी मुझसे इन्ना हो बेशक वो लफारी खन यक़ीन बहुत इतराने वाला फखूर बहुत ज्यादा फखर करने वाला हो जाता है बाहरत अर्जमा क्या है और बेशक अगर हम उसे कोई नमत चखाएं, किसी तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची हो तो यकीन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो गई बिला शुबा वो यकीन बहुत फूलने वाला इतराने वाला और बहुत फ़खर करने वाला है जी ईसायत में न ऐसी नेमत जिसका असर साहिब नेमत पर जाहिर हो उसके वाजे जो निशानियां हैं वो मौजूद हो इसी तरह जर्रा ऐसी मुसीबत जिसका बुरा असर इंसान पर जाहिर हो ये दोनों आयात अल्लाह तबारक जो इर्शात फरमाई है इससे इंसान की जो फितरत है अल्लाह ने वो वाजे किया कि इंसान कैसा है जब उसको नेमत पहुंचती है उसके बाद अल्लाह उसको छीन लेता है तो इंसान बहुत ज्यादा नाउमीद और बहुत ज्यादा ना शुक्री करना शुरू कर देता है और जब उसे कोई नेमत अल्लाह कहते हैं हम देते हैं किसी तकलीफ के बाद तो वो क्या समझता है कि सारी तकलीफें मुझसे दूर हो गई हैं अब मेरे पास हमेशा हमेशा ही अल्लाह अः की जो नेमतें दी हुई है हमेशा मेरे पास नियमते रहेंगी और वो बहुत ज्यादा इतराता है फिर उन नेमतों पर बहुत ज्यादा फखर करना शुरू हो जाता है तो ये इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने बयान की है आगे ताला इस सिस्ना फरमाते हैं लदीना इल्ला मगर अल्लादीना जो सबरु सबर किया जिन्होंने सबर किया वो वमिलु और अमल किए और साल नेकलह की जमा एक ने की और साल ज्यादा ने किया यही लोग लहुम जिनके लिए मवफरत बख्शिश है वजर उन और अजर है कबीर बहुत बड़ा तो अल्लाह तबारक ने इसल स्ना किया कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते अक्सर इंसानियत का वही हाल है जो अल्लाह तहले बयान किया कि जब उनको कोई अल्लाह तरफ से नियमत मिले और बाद में अल्लाह उसको छीन ले तो वो बहुत ज्यादा ना शुक्री और कुफर करने वाले हो जाते हैं और जब किसी को तंगी के बाद अल्लाह ताला खुशहाल करता है तो बहुत ज़्यादा उस पर इतराता है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की बजाय तकबर और फख्र करना शुरू कर देता है तो उससे अल्लाह ताला ने अगली आयत में क्या इशाद फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं और नेक आमाल करते हैं वो उन लोगों में से नहीं है यानी साबिर मोमिन का ये हाल नहीं है

उल मोहतादून तो मोमिन का हाल क्या होता है इन आयात में अल्लाह ने बयान किया सूरत आयत नंबर एक सौ पचपन से एक सौ सावन तक देखिये इसी तरह सूरत आयत नंबर उन्नीसता पैंतीस निकाले इनका

दलील है आपके हक में या आपके खिलाफ तो ये जो सबर होता है ना ये रोशनी है सही मुस्लिम हदीस नंबर पांच है ये इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर पैंसठ सौ चवालीस निकाले अबू हरे रवी राबी हदीस है रसूल ने फरमाया मोमिन की मिसाल पौधे की पहली निकली हुई हरी शाख जैसी है जब भी हवा चलती है उसे झुका देती है फिर वो सीधा होकर मुसीबत बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है और फाजर और बदकार की मिसाल सोनूबर के दरख्त जैसी है वो सख्त होता है और सीधा खड़ा रहता है यहां तक कि अल्लाह ताला जब चाहता है हवा के जरिए उसे उखाड़ फेंकता है तो सबर की मिसाल आपने देख ली इसी तरह जनाब आब्दुल्ला हिब अब्बास रवील्ला की हदीस सही बुखारी हदीस नंबर पैंसठ में मौजूद है बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचती मगर अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके गुनाहों को झाड़ देता है जिस तरह खजा में दरख्त के पत्ते जड़ जाते हैं इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर पच्चीस सौ बहत्तर निकालिए आप वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान को अगर कोई कांटा भी चुपता है या कांटे से बढ़कर

मुस्त अहमद की हदीस में अल्फाज क्या है आप फरमाते हैं मोमिन को जो भी फिक्र और गम पहुंचता है उसके लिए अल्लाह ताला उसके जो दराजात हैं वही बुलंद करता है जैसे अभी हमने सई मुस्लिम की हदीस भी पहले सुनी है तो पिछली दोनों आयात और इसी तरह ये जो हमने आयत अभी पढ़ी है हैदीन सबारो वाली इससे पता चलता है कि तमाम जो इंसान है उनकी नेचर फितरत अल्लाह ने एक नहीं बनाई बल्कि यहां से बहुत बड़ा अहम नुक़ा यह भी निकलता है कि ना उम्मीद हो जाना ये ना शुक्री है और कुफर है ये मायूस हो जाना अल्लाह ताला से ये कुफर है जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा ना इन्नाहल ओसन कफूर ये जो अल्लाह ताला की नेमत से जो उसे अल्लाह ताला छीन लेता है परेशान अगर हो जाता है ना उम्मीद हो जाता है तो ये हद से तजावज़ है मुराद क्या है कि वो कुफर कर बैठता है इसलिए अल्लाह त हर हाल में उसका उसकी तारीफ़ की जाए शुक्र किया जाए मोमिन का मामला आपने पढ़ लिया कितना खैर वाला है अगर उसका तकलीफ पहुंचती है तो वह सबर करता है उस सबर के जरिए अल्लाह उसको अजर देता है इसी तरह जब उसको नेमतें मिलती हैं तो फूलता नहीं है इतराता नहीं है बल्कि क्या करता है अल्लाह तुक्र करता है और कुरान ने आप इस बात को वाजे किया है कि ला इन शुमला जो शुक्र अदा करेंगे उनको अल्लाह तजीद आता फरमाते है तो इसलिए मोमिन का मामला बड़ा खैर वाला होता है आगे बारी खाला फरमाते हैं फलाका शायद के आप छोड़ देने वाले है बाज वही की जाती है आपकी तरफ। और तंग होने वाला है सद रुका आपका सीना मुबारक अन के यकूल वो कहेंगे मुराद काफिर लोग लो क्यों नहीं उन जिरा नाजिल किया गया आले ही इस पर कंजुन कोई खजाना औ या जा नहीं आया माहू उसके साथ मलकुन कोई फरिश्ता इन बेशक अंता आप नजीर डराने वाले हैं वल्लाहु और अल्लाह शय इन हर चीज पर वकील उन खूब निगरान है इसका मुहावरा तर्जमा क्या हो जाएगा फिर शायद आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ वही की जाती है और उस वजह से आपका सीना तंग होने वाला है कि वो कहेंगे इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया या इसके साथ कोई फेशा क्यों ना आया तो आप सिर्फ डराने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज पर खूब निगरान है जी कुफार हर वक्त कोई ना कोई मुआवजा लाने की फरमाइश करते रहते थे कभी कहते कि आप पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया चलिए आप ओहत पहाड़ को सोने का बना दें, हमारे लिए खजाना बन जाए ये आपके साथ कोई अल्लाह तरफ से फरिश्ता क्यों नहीं आया हमें पता चले कि आप वाकई अल्लाह तरफ से आते हैं और इस तरह की बड़ी अजीब गरीब फरमाइश उन्होंने की सोरा बनी इसराइल आयत नंबर नब्बे से तिरानवे देखे इसी तरह सूरफ उर्कान आयत नंबर सात आठ क्या है बारिक फरमाते हैं वक़ाल उमा लिहादल يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کی طرح کوئی فرشتہ کیوں نہ उतारा गया कि उसके साथ डराने वाला होता या उसकी तरफ कोई खजाना उतारा जाता या उसका कोई बाग होता जिससे वो खाया करता और जालिमों ने कहा कि तुम तो बस ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू किया हुआ है नाउज़ुबी झालिक तो ये इनके मुतालबात और तान व तशनी से तंग आकर आप चूंकि कुछ परेशान हो गए थे इसलिए आप अल्लाह कोल्ला तहा तसल्ली देना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ परेशान नहीं होना बल्कि शिरक की मजम्मत करते रहना है तोहिद के इस बात के लिए आपसे जो कुछ हो सके आपने वो करते रहना है जी वही सदर का माना क्या है कि इसके साथ आपका सीना तंग होने वाला है सूरतर आयत नंबर सतानवे निकालें बार फरमाएते हैं और बिला शुबा यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपका सीना उससे तंग होता है जो वो कहते हैं मुराद इससे घुटन सी है कि मैं अल्लाह झल्ला की खातिर ये सारा काम करता हूँ तो फिर ये लोग जिनसे मैं कुछ भी तलब नहीं कर रहा फिर भी ये मुझे बातें कर रहे हैं और तरह तरह के मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इससे आप सल्लाह स परेशानी लायक होती थी तो उसका अल्लाह ते आप सल्ह को हौसला दिया कि आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना आप सिर्फ डराने वाले हैं डराइये लिहाजा किसी मलामत करने वाले की कोई मलामत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आगे क्या कहा कुली वकील अल्लाह ताला हर चीज पर खूब निगरानी कर रहा है मुराद क्या है अल्लाह ताला देख रहा है कि नबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है अपना फरीजा सर अंजाम दे रहे है और दूसरे लोग उनका रद्दअमल क्या है ये सारी चीजें अल्लाह की निगरानी में हो रही है मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ये सारी चीजें देख रहा है और कल कयामत के दिन जो नेक काम करने वाले हैं उनको अल्लाह तता फरमाएगा और इसी तरह जो अम्बिया को अलिया को अलमा और दीनदार तबका जो लोग हैं उनको जो लोग परेशान करते हैं अल्लाह तहता है कि मैं हर चीज पर खूब निगरान हूं कल क्यामत के दिन दोनों को जजा सजा देने पर मैं खूब कादिर हूं इसलिए अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी परेशानी होना अपना काम बराबर आप जारी रखिए ये लोग जो आपको तंग कर रहे हैं कल क्यामत के दिन इनशा ये हमारे दरबार में हाजिर किए जाएंगे फिर हमारा और इनका मामला है कि हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं आगे बारी फरमाते हैं यकुलना वो कहते हैं इफ हो उसने खुद गढ़ लिया है इसे कुल कह दीजिए तो तुम ले आओ ब्याज शूरते मिसली ही उस जैसी मुफ्तारयातिन घड़ी हुई वो और तुम बुला लो मैनस्तः तुम जिन्हें तुम बुलाने की ताकत रखते हो मिन्दून अल्लाह तलावा इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकिन सच्चे या वो कहते हैं कि उसने उसे घड़ लिया है कह दीजिए फिर उस जैसी दस सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे तुम बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो हमने पहले भी पढ़ा था एक होता है कबिब काफ रल इसका मतलब होता है झूठ एक होता है इफ्तरा इसका मतलब भी झूठ होता है लेकिन इनमें फर्क क्या है इफ्तराह का लफ्ज़ खास है झूठ क्या होता है कबीब किसी ने कोई झूठी बात सुनी और उसको आगे पेश कर दिया हम क्या कहेंगे इसने झूठ बोला है लेकिन अफतराह क्या होता है कि आदमी कहीं से बात ना सुने अपनी तरफ से कोई गलत बात बनाकर किसी पर थोप दे इसे क्या कहते हैं इफ्तराह तो ये लोग ये नहीं कहते थे कि किसी तरफ से सुनकर आगे बयान कर देता है यही कुरान को नहीं कहते थे कि झूठा है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउदुबिल्ला झूठा कहते थे कि ये अपनी तरफ से कुरान बनाता है तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा चैलेंज किया इनके साथ कि हमारे इस चैलेंज का जवाब दीजिए अगर वाकई तुम सच्चे हो अल्लाह ताला के सिवा जिनको तुम चाहते हो जादूगरों को बड़े बुलागा को जितने तुम चाहते हो बलीग लोग हैं फसाहत वाले लोग हैं अरबी जुबान ज्यादा जानने वाले हैं सबको बुला लो और इस जैसी दस सूरतें बना लें तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकाम पर इसका जिक्र किया है सूर्भ बनी सैल आयत नंबर अठासी तूर, आयत नंबर चौतीस में अल्लाह ताला ने पूरे कुरान की लाने का चैलेंज किया है कि इस जैसा तुम भी कोई बना लाओ। और यहां इसी तरह हमने पहले सोरास पढ़ी है तो सोर्यनुस और सूरह बकरा में एक सूरत का अल्लाह चैलेंज किया है और आप जानते हैं सबसे छोटी सूरत कौन सी है इन नबीवन इन ने कहा अब तो ये तीन आयात भी नहीं ला सके सारा अरब मिलकर भी पूरा कुरान तो दूर रहा दस आयतें दूर सूरतें दूर रही एक कुरान एक सूरत भी मिलकर नहीं बना सकते तो ये कुरान के कलामुल्ला होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है इसी तरह याद रहिए कि कुरान मजीद एक मौज़ज़ा है इस जैसी किताब लिखना किसी के बस में मुमकिन नहीं है अलामा कहमाम ने इस पर बहुत सी किताबें लिखी हैं अरबी जुबान में एजाजल कुरान इस नाम से कई किताबें हैं उसमें उन्होंने कुरान मजीद की फसाहत बलागत के साथ साथ उसके अंदाजे बयान का अल्लाह की शान के मुताबिक जलाल और जमाल और इसी तरह के उसमें पेश गोई जितनी अल्लाह तय किए हैं जितनी खबरें अल्लाह तिक्र की हैं उनमें से कोई भी गलत नहीं हुई इसी तरह कुरान की एक आयत दूसरी आयत के खिलाफ नहीं होती टकराती नहीं है एक दूसरे के साथ और इसके अंदर जामय हद दर्जे की है ये और इस तरह की जितनी खूबियां हैं सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद में जमा हो सकती हैं इसके अलावा और कोई किताब भी दुनिया के अंदर ना आज तक लिखी गई है और ना ही कल क्यामत तक लिखी जा सकती है आ, ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि आजकल चूंकि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं कई लोग ऐसे हैं आहले किताब में से या गैर मुस्लिम के कोई भी फिरके में से उठते हैं और क़ुरान मजीद की तरह बनाना शुरू करते हैं क़ुरान मजीद की तरह हमने भी कई चीजें देखी हैं जो है सोशल मीडिया पर कुरान मजीद की तरह सूरत बनाने का वो ख्वाहिश रखते हैं और बनाते भी हैं लेकिन ना उनके अंदर फसाहत होती है ना बलागत होती है फसाहत बलागत तो दर अरबी इबारत ही सही नहीं होती मुराद यह है कि अरबी जुबान से ही लिक, लिखनी नहीं उनको आती उसके अंदर ही बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं फिर जबर जेर की गलतियां बहुत होती हैं इसी तरह माना एक दूसरे की तरफ यानी खलत मलत हो रहा होता है माना किसी एतबार से भी उस एक जुमले को भी कबूल नहीं किया जा सकता यानी बहुत ज्यादा उसके अंदर गलतियां होती हैं जो आम सादा आदमी जो अरबी जुबान जानता है वो भी कहेगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं तो ये अल्लाह त चैलेंज है कयामत तक है कोई भी इन हमारा इस पर पूरा ईमान है कि कुरान मजीद दूर रहा दस सूरतें भी दूर रहीं एक सूरत भी दूर रही कुरान मजीद की एक सतर वो भी सही तरह नहीं बना सकते आगे बारीचाला फरमाते हैं फ इन पस अगर लम तजीबू वो कबूल ना कर सकें लकुम तुम्हारी बात को फालमू तो जान लो अन्नामा सिर्फ उन जिला उतारा गया है ब्याल मिल्ला अल्लाह का आला के इलम के साथ वन और ये के ला अला कोई मबूद नहीं अल्लाह मगर वही फहल तो क्या अन तुम तुम मुस्लिम हुक्म मानने वाले हो बा मुहाबरत अजमा क्या हो जाएगा बस अगर वो तुम्हारी बात को कबूल न करे तो जान लो कि ये सिर्फ अल्लाह के इलम से उतारा गया है और ये कि इसके सिवा कोई मबूद नहीं क्या तो क्या तुम हुक्म मानने वाले हो ईसायत करीमा के मुफसरीन ने दो मफाही दो मानी बयान किए हैं एक माना क्या है कि अः मुसलमानों अगर कुफार तुम्हारा ये चैलेंज कबूल न कर पाए तो यकीन कर लो कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ती केम से ही उतारा गया है बारित की तरफ से ही उतारा गया है उसके सिवा कोई मबूद नहीं और तुम उसी का हुक्म मानो यानी इसके साथ अपनी किताब की हकानियत को इस कदर वाजिर, वाज और रोशन होने पर तुम्हारा ईमान और यकीन होना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होते रहना चाहिए दूसरा माना क्या है वो पिछली आयत में जो मुशरकिन को कहा गया ना कि वह अल्लाह तला के अलावा जिनको तुम बुलाने की ताकत रखते हो बुला लो तो उस आयत को इस आयत के साथ अगर हम मिलाएंगे दोनों को मिलाकर अगर मफूम समझेंगे तो मफहम क्या निकलेगा के अल्लाह ताला ने मुशरिकों को जो चैलेंज दिया है कि तुम अपने अरब के बड़े बड़े फसी लोग बलीग लोग शायर खतीब और बड़े बड़े दाता और दस्तगीर वगैरह सबको बुला लो और एक छोटी सी सूरत सूरतर इन्ना आतना कल कौसर जैसी तीन आयात पर मुश्तक सूरत बनाओ अगर वो ये चैलेंज कबूल ना कर सकें तो अशर को काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने वालों फिर तुम सुन लो कि जब तुम्हारे बड़े बड़े दाता दस्तगीर शायर खुतबा वगैरह लोग भी इस चैलेंज को कबूल ना कर पाए तो फिर आपको ये मानना होगा यकीन करना होगा कि ये क़ुरान ये किताब अल्लाह ताला के इल्म से नाजिल की गई है इसकी मिसल लाना किसी भी मखलूक के बस की बात नहीं है और दूसरा इस बात पर भी ईमान ले आओ कि अल्लाह तबारक तआला के सिवा कोई महबूदे बर हक नहीं है तो एक काफिरों की जमात क्या फिर तुम इस्लाम कबूल करोगे या अपने बाप दादा की तरह जिद और एनाद पर ही अड़े रहोगे तो ये दो मानने इसके मुफसरी ने बयान किए हैं और दोनों माने ठीक हैं। आगे बारी तआला फरमाते हैं मन काना जो कोई हो यु इरादा रखता चाहता अलहया तद्दनिया दुनियावी जिंदगी वजीनता और उसकी जीनत उर्दू में इस्तेमाल होता है ना जेबो जीनत वजीनता और उसकी जीनत नी हम पूरा पूरा बदला देते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वफ़ा करना एफाय आहद तो इसका मतलब होता है पूरा बदला देना इलेम उनकी तरफ आमाल हम उनके आमाल फी हा उस दुनिया में वहम और वो फ़ी हा उस कम नहीं दिए जाते आयत का बाबू हावरा तजमा क्या हो जाएगा जो कोई दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखता हो हम उन्हें उनके अमाल का बदला उसी दुनिया में पूरा देते हैं और उस दुनिया में उनसे कमी ना की जाएगी अगली आयत का ताल्लुक भी इसी के साथ है वो भी देखें उलायका यही अल्लादीना वो लोग हैं जो लईसा नहीं है लहुम उनके लिए फिल आखिरती आखरत में अल्नार मगर आग

और बेकार है जो कुछ भी वो कर रहे हैं। यहाँ मुफसर का कुछ इख्तलाफ है कि इन से मुराद क्या है दोनों आरा ही में नकल करता हूँ पहली राय क्या है कि ये दोनों आयतें कुफार और मुशरकिन के बारे में उतरी हैं क्योंकि आयत का जो हिस्सा ना कि फिल आखरत, आखरत में उनके लिए आग के सिवा कुछ नहीं मतलब यह है कि जो कुफ्फार यहाँ दुनिया तलबी के लिए सबका खैरात वगैरह और नेक काम करते हैं जिनका ताल्लुक रिफाह आमा से है तो उन्हें इन कामों का बदला दुनिया में पूरा पूरा दे दिया जाएगा लेकिन ये बदला अल्लाह ताला की मर्जी पर मौकूफ है जैसा कि बारी तला फरमाते हैं बनी साइल आयत नंबर अठारह निकाले मनका नहुफिया मजमो जो शख्स इस जल्दी वाली दुनिया का इरादा रखता हो हम उसको उसमें जल्दी दे देंगे जो चाहेंगे जिसके लिए चाहेंगे फिर हमने उसके लिए जहन्नुम बना रखी है उसमें दाखिल होगा मजम्मत किया हुआ दुदकारा हुआ इसी तरह इस माना की दोसी आयत सूरतरा आयत नंबर बीस निकाले बार तरमाते अमन का नवरीदर् आखीरा नजल फरफी अमन का नवरीदर्निया मिना अमा लहु फिल आखिरत इमिन नसीब जो कोई आखरत की खेती चाहता है मुराद आखरत है जन्नत वगैरह हम उसके लिए उस खेती में इजाफा करेंगे और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है मुराद क्या है कि दुनिया ही चाहता है उसे हम उसमें से कुछ दे देंगे लेकिन आखरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा तो पहली राय यही है कि इससे मुराद काफी लोग हैं दूसरी राय क्या है कि इन आयत से आ, मुनाफिक और रिया जो लोग हैं, वो शामिल हैं। उससे पहले एक और बात समझिए कि ये जो पहले काफिरों वाली बात हुई है ना इसमें क्या है कि आग से नहीं निकलेंगे ये जैसे अल्लाह तला ने कहा है ना कि बमालहू फिलान नसीब आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं मुराद क्या कि जन्नत में नहीं जा सकते इसी तरह आ, यहां से हम कहेंगे कि आग के अंदर ये दाखिल होंगे जैसा कि अभी हम नायत में भी पढ़ा है कि वो सारे के सारे लोग क्या है आग के अंदर ही जाएंगे लही सखरत नार आखिरत में आग के अलावा कुछ भी नहीं है उनके लिए मुराद क्या है कि इनकी तोबा भी अल्लाह तु कबूल नहीं करेगा कल कयामत के दिन सिर्फ आग ही इनका मुकदर होगी हाँ काफिर जो लोग हैं उनके आजाब की मुख्तलिफूरतें हो सकती हैं लेकिन आजाब से छुटकारा उनके लिए मुमकिन नहीं है जैसा कि अब तालब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनको अजाब होगा लेकिन उसके अंदर तखफीफ होगी उसके साथ यह है कि वो आग से नहीं निकल सकते तक जो है अल्लाह तबार को तारा तखफी उसमें कर देगा वैसे भी सोलत उन्नीस नंबर एक सौ पैंतालीस में बारी तारा फरमाते हैं इन अल मिनन्नार बेशक मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे तो इससे पता चलता है कि आदाब की मुख्तलिफ मुख्तलिफूरते हैं अल्लाह काफिरों को मशरकों को जहनुम में ही दाखिल करेगा अजाब की मुख्त शक्लें हो सकती हैं किसी को अजाब ज़्यादा सख्त हो रहा है उसके गुनाहों की बदौलत और किसी को कुछ कमी अल्लाह दी है ये एक राय है दूसरी मुखसरिन की राय क्या है कि ये आयात आम हैं इनके अंदर मुनाफिक भी शामिल है और रियाकार लोग शामिल हैं जो दुनिया में अपने आमाल जो है लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं जैसा कि वह मशहूर हदीस आपने कई مرتبہ सुनी है सही मुस्लिम हदीस नंबर 1905 रसूलुल्लाह اللہ अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं رجل استشهد فؤتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القيا في النار क्यामत वाले दिन शहीद को लाया जाएगा अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतों की पहचान करवाएगा वो उन्हें पहचान लेगा फिर अल्लाह पूछेगा, तूने उनके लिए क्या किया वो कहेगा या मैंने लड़ते हुए तेरी रहा में अपनी जान पेश कर दी अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला है मुराद ये है कि तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाना ही था तो ये इसी तरह सखी आएगा और दीगर तो यहां से पता चलता है कि ये जो मुनाफिक लोग हैं रिकारी रिया रिकारी रियाकारी करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं वो भी इन दो आयात में शामिल है मुराद क्या है कि अल्लाह तबारक जैसे हदीस में है ना कि नकत किला तो चाहता था कि लोग तुझे बहादुर कहें मुजाहिद कहें तो वो दुनिया के अंदर ही लोगों ने तुझे कह दिया है तो हमने आयत में क्या पढ़ा है कि अमाल फिल्ला मिन नसीब या फिल्आरतार यह लोग जो हैं दुनिया के अंदर इनको अल्लाह अगर चाहेगा थोड़ी सी इज्जत दे देगा जैसे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बहादुर है लेकिन कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर उनका कोई भी हक अल्लाह ने नहीं रखा हुआ इन दोनों आरा का खुलासा क्या होगा कि दो आयतें भी हमने पढ़ी हैं इसमें मुफसर के दो मौकफ हैं एक क्या है कि इन आयात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ काफिर और मशरक लोगों के साथ है कि जिनको अल्लाह तखरत में जहन्नुम के अंदर ही दाखिल करना है अजाब में कुछ कमी हो सकती है लेकिन रहेंगे में और दूसरा क्या है कि जो रियाकारी करने वाले लोग हैं मुसलमान हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं कलीमा पढ़ा है पहली सफ के अंदर नमाज आकर पढ़ते हैं जुम्मा पढ़ाते हैं दरस देते हैं लेकिन उनका मकसद क्या है कि लोगों को दिखाना कि लोग मुझे कहें बहुत बड़ा खतीब है लोग मुझे कहें कि के बहुत बड़ा आलिम है लोग मुझे अलामा साहब कहें लोग मुझे बहुत बड़ा मालदार सखी कहें तो ये लोगों के लिए जो अमल कर रहा है एक तो यह कि जिसने कलीमा पढ़ा ही नहीं है उसके लिए भी ये दोनों आयात हैं और इस तरह जो कलीमा पढ़कर लोगों के लिए अमर कर ले अल्लाह ताला की रजा उसके अंदर मकसूद नहीं है तो ये दोनों के लिए आयतें हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में इनकी थोड़ी सी इज्जत अगर करवाना चाहे करवा सकता है लेकिन कल कयामत के दिन जहन्नुम के सिवा आ, कुछ भी नहीं इनको दिया जाएगा अल्लाह मल्ला आगे फरमाया तो क्या जो शख्स काना हो आला बीना तिन बैना पर बैना की हम बाद में वजात करते हैं क्या है मेर रब अपने रब की तरफ से ओतलू हो और पीछे आया हो उसके शाहिद एक गवा तलायतलू का मतलब तिलावत और तिलावत हमने पहले पढ़ा है कि चूंकि ये पढ़ी जाती है एक लफज के बाद दूसरा लफज इस तरह इसको फिर तिलावत कहते हैं तो पीछे आया हो उसके शाहिद 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 क्या है वजात होती है मिनहू उसकी तरफ से अमिन कबली ही और उससे पहले किताब मूसा मूसा अल की किताब भी हो इमामन पेशवा वन और रहमत थी उलाका यही लोग मिनुना ईमान लाते हैं बिही उस पर कुरान पर वम यक फुर और जो इनकार करता है बिही उसका मुराद कुरान है मिन अहजा ग्रोहों में से मुराद काफिर लोग हैं फन नारू तो आग ही मवाद हो उसके वादे की जगह है फला तक तो आप ना हो फी मिर किसी शक में मिन हो उससे मुराद कुरान से इन नो अलकू हक है मर रब का आपके रब की तरफ से वला किन्ना और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला ईमान नहीं लाते तो इस ईसाइत करीमा का बाहावरा देखे तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज दलील पर हो और उसकी तरफ से एक गवाह उसकी तायद कर रहा हो और उससे पहले मूसा की किताब भी जो इमाम और रहमत थी ये लोग उस पर ईमान लाते हैं और ग्रोहों में से जो उसका इनकार करे तो आग ही उसके वादे की जगह है चुनाचे आप उस बारे में किसी किस्म के शक में मुबतला ना हो यकीन यही तेरे रब की तरफ से हक है और अक्सर लोग नहीं जानते जी इसमें तलायत लो कमाना पीछे आना होता है जैसे हमने पहले भी बताया मुराद उसकी तइद करना है बयना जो है इस बारे में मुबसरीन के दो अकवाल हैं पहला क्या है बेना सिमराद वाज दलील है इससे मुराद रसूल सल वसलम और आपके मतबे मुराद मोमिन लोग हैं तो बना सिमरात नब्बत की निशानियाँ हैं और ये जो है ना यत लोहु शाहिद उम मिन हो उसकी तरफ से गवाह उसकी तयद कर रहा हो इसमें शाहिद से मुरा कुरान मजीद है जो आप वसल्लम के सच्चा होने का शाहिद है और इससे पहले मूसा आसाम की किताब जो तौरात है वो भी आपकी नबूबत की शहादत दे रही है मतलब क्या है कि यह रसूल और उसके पैरोकार जो अपने रब की तरफ से दलील पर हैं उन लोगों की तरह हो सकते हैं कि जिनके पास रब तला की तरफ से कोई दलील ना हो ना कुछ शाहिद हो न पहली आसमानी किताब उसकी तारीद कर रही हो तो ये अल्लाह वाज़े फरमाना चाह रहे हैं अच्छा ये जो सूर्य हूद है ना इसमें कई अंबिया कराम ने बैना का लफज उनके लिए इस्तेमाल हुआ है बैना क्या वाज दलील पर हूं एक इसकी तफसीर तो ये है जैसे नू असलाम ने भी इर्शाद फरमाया सूरद आयत नंबर अट्ठाईस देखे या कौमी आरए तुम इनकुन तुम आलाय बना तम रबी मैं वाज दलील पर हूं अपने रब की तरफ से इसी तरह सराहुद आयत नंबर तिरसठ देखें साल आल इस्लाम फरमाते हैं या कौमी अरा तुम इनकुन तो अला बैना तबी इसी तरह सूरह आयत नंबर अठासी शुआब अल इस्लाम कहते हैं या कौमी अरा तुम इनकुन तो अला बना तबी तो यह बयना का लफज कई रसूलों ने इस्तेमाल किया है एक इसका मतलब तो हमने अभी क्या किया मुफसरी की जो है निगारशात की रोशनी में कि इससे मुराद दलील है दूसरा बयना का मतलब क्या होता है अखिल सलीम फितरत सलीमा इंसान की जो सही फितरत होती है जिस पर इंसान को पैदा किया और गया और वो क्या है अलस्त आहद अलस्त जो अल्लाह तला ने कहा ना सूरत आयत नंबर एक सौ बहत्तर अलस्त बरबिकुम क्या मैं तुम्हारा वाकई रब नहीं हूं सब लोगों ने क्या कहा था भला क्यों नहीं तो यह अकल है आप सल्हर शाद फरमाते हैं सई बुखारी हदीस नंबर तेरह सौ पचासी निकालें कुल्लु मऊलूद्दीन यू लदरा हर बच्चा ही फितरत पर पैदा होता है फवादान ही औुन सानी औुम जिसानी ही तो उसके वालदे उसको यहूदी बना लेते हैं ईसाई बना लेते हैं या मजूसी बना लेते हैं वैसे हकीकता सारे लोग फितरत सलीमा पर ही पैदा होते हैं तो बना सिमराद फिर क्या हुआ फितरत हुई तो फिर इस आयत का मफहम क्या हो जाएगा दलाइल की रोशनी में भी देखा जाए और आक़िल सलीम की रोशनी में भी देखा जाए तो यही पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद और आपकी इतबा करने वाले यही सारे वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक तरफ से हक पर हैं ये जो फरमाया ना उला इक मीनू नबी इससे मुराद क्या है कि बैना पर जो कायम है लोग आप पर जो ईमान लाते हैं वो लोग इसमें मुराद हैं दूसरा जो कहा है तो इसमें क्या है कि जो उसके साथ कुफर करे वो गुरो ईसाई हो वो यहूदी हो हिंदू हो बुद्ध मत हो या कोई भी हो उसका ठिकाना जहन्नुम है आ, सही मुस्लिम हदीस नंबर एक देखें तिरपन जनाब अबू हरे और रबी बयान फरमाते हैं रसुल्ला ने फरमायादी उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा एक उस लोग ना इसका तर्जमा करते हैं कब्ज़ा कुदरत में तो वो तर्जमा गलत है अल्लाह के हाथ का तर्जमा किया जाए अल्लाह के हाथ में जान है जी क्या फरमाया ला يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار कसम उसकी जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में इस उम्मत में से कोई यहूदी या नसरानी सुन ले फिर वो, वो फोत हुआ और उस पर ईमान न लाया जो मुझे देकर भेजा गया तो वो आग वालों में से होगा इसके साथ ही जो लोग मुशरक हैं और नाम के मुसलमान हैं सिर्फ कलिमा पढ़ लिया न कभी नमाज पढ़ी न कोई ला इला के जो तकाज़े हैं उन पर कभी गौर वफिक्र किया आपकी रिसालत के इनकारी हैं मुनकर हैं आपकी रसालत के तो वह लोग भी इसके अंदर शामिल हैं आ, मज़ीद तफसील के लिए आप सूरतुलबारा आयत नंबर बासठ इसी तरह सूर नसाह आयत नंबर एक सौ पचास से एक सौ बावन तक देख सकते हैं जी आगे फरमाया फलाता को फी मिल तो आप शक करने वालों में से ना हो जाए कि ये कुरान कोई इस बारे आप शक करना शुरू कर दें तो ये आपने पहले भी कई मरतबा पढ़ा है कि अल्लाह त वाहिद का लफ्ज़ बोलते हैं उससे मुराद रसूल सल्ला होते हैं बज़ाहर लेकिन मुराद उससे हर आकिल आदमी होता है हर मुसलमान के लिए बल्कि हर इंसान के लिए वो आयत होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान के बारे में कोई शक नहीं था तो अल्लाह जो क्या फला तक फी मिरिया इससे मुराद सारे लोग शामिल हैं कि सारी चीज़ें जब ये सारे लोग बैना पर हैं दलील है हर एक के पास नबी दलील है उसकी सारी जो निशानियाँ हैं वो भी दलील है कुरान उसकी शहादत दे रहा है गुजश्ता जो सारी किताबें जो है आसमान से उतरी हैं अबिया पर वो भी शहादत दे रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की खुशखबरी दे रही हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं तो ये खिताब फ़ला तक मिनर या तमिन ये खिताब सारे लोगों के लिए कि इतनी दलाइल आने के बावजूद आप किसी शक के अंदर मुबतला ना हों आगे जो फरमाया ना के वाला किन्ना अक्सर सलामिन अक्सरीत का हाल कुरान में कई मरतबा बयान हुआ है जैसा कि सोरा यूसुफ़ आयत नंबर एक सौ सो तीन सोरा नाम आयत नंबर एक सौ सो, सोलह सोरा सबा आयत नंबर बीस दीन जमहूरीत और दीन इस्लाम को एक करार देने वाले उन्हें यहाँ गौर करना चाहिए कि इस्लाम के अंदर जमहूरियत नहीं है कि जो काम ज्यादा लोग कर रहे हैं तो वह हक है ऐसा नहीं है बल्कि हक बात हक ही है चाहे वो मानने वाले थोड़े ही क्यों ना हो आगे बारिक फरमाते हैं वमन और कौन अजलमू ज्यादा हैफतरा बांधा अल्लाह पर काीबन जूट उलाजुना पेश किए जाएंगे आला रबी अपने रब के सामने वकुलू और वो कहेगा अलशहाद गवा मुरादरिश्ते हैं फरिश्ते कहेंगे हा उलादीना ये वो लोग हैं जिन्होंने का रबू झूठ बोला अला और अपने रब पर अला खबरदार आगा हो जाओ ला अल्लाह की लानत है पर। बाबू हावर क्या होगा और उससे ज्यादा झालिम कौन है जो अल्लाह पर कोई झूठ बांधे ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला सुन लो जालिमों पर अल्लाह की लानत है दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं एक होता है कि अपनी जान पर जुल्म करना वो भी जुल्म होता है लेकिन सबसे बढ़कर क्या है कि अल्लाह ताला पर झूठ बोलना अल्लाह ताला के जिम्मे कोई ऐसी बात लगा देना जो अल्लाह ने कही ना हो मखलूक को खालिद की सिफात रखने वाला करार दे देना जबकि अल्लाह तला कहते कम इसलिए ही, ही शई इसी तरह बुतों वलियों देवताओं को अल्लाह के हुजूर बिला इजाजत सिफारत की जरूरत रखने वाला समझना फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देना ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम को अल्लाह का बेटा करार देना या कोई और ऐसा जुर्म करना तो ये सबसे बड़ा जुल्म होता है ऐसा शख्स सबसे बड़ा जालिम होता है अच्छा अल्लाह पर झूठ किस तरह बांधा जाता है हर कोई अल्लाह ताला का हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की इज्जत करता है लेकिन अल्लाह पर झूठ किस तरह बांधा जाता है जी पहली बात क्या है ये आपने सही इस बात को याद रखना है सबसे पहली बा, बात क्या है कि इलम जो है उसको गलत नकल करने की वजह से अल्लाह तला पर जो, जो है वो झूठ बांधा जाता है सरा आर इमरान आयत नंबर अठहत्तर देखें सेवनटी एट बार क्या शाद फरमाते हैं

अल्लाह तला की तरफ से बात होती नहीं है जो वो बात नकल कर रहे होते हैं तो ये यानी इलम जो आगे नकल करते हैं गलत तरीके के साथ आगे नकल करते हैं उसके अंदर कमी बेशी करके आगे नकल करते हैं तो ये अल्लाह तला पर झूठ होता है दूसरा झूठ उसकी किस्म क्या है नब या वही का झूठा दावा कर देना कि मैं नबी हूं मेरी तरफ वही की जाती है सोरा आयत नंबर तिरानवे निकालें अमन अबरा बन औला ऊ है इलाया वम यूह इ कहता क्या है कि मेरी तरफ अल्लाह तरफ से वही की जाती है जबकि बारी तला फरमाते हैं कि वलम यू है उसकी तरफ वही की जाती नहीं है अपनी तरफ से कह रहे हैं तो ये अल्लाह तरह झूठ की दूसरी किस्म हो गई तीसरी किस्म क्या है खाब बना लेना सही बुखारी हदीस नंबर सात सौ तैरतालीस निकालें जनाब आब्दिल्लाबन रबी बयान फरमाते हैं रसूल ने फरमाया सबसे बड़े झूठों में से एक ये है कि आदमी अपनी आंखों को वो चीज दिखाए जो उन्होंने नहीं देखी यानी झूठा ख्वाब आगे बयान कर दे तो यह भी क्या है झूठ है इसी तरह झूठ की चौथी शक्ल क्या है अल्लाह ताला पर जो झूठ बोला जाता है वो क्या है कि अपनी अकल को, को दीन के मामला पर फोकियत देना तो यह भी अल्लाह ताला पर झूठ है सूरतुल्कस आयत नंबर पचास निकालें फिल्म यजीबुलखल तबन अबाहमिन तो यह अपनी जो अकल है न अवा का मतलब होता है ख्वाहिशात अपनी जो अकल है दीन के मामला पर मुकदम कर देना दीन के मामला में अपनी अकल का दखल करना कि हमारी अकल को भी दखल हासिल है जी ऐसा हो नहीं सकता इस तरह सादाफमियों समझे कि मौजादा का इनकार हो जाता है मिसाल के तौर तो पर आप सल्हम का मौजा कि उन्होंने चांद को दो टकरे किया था अब अकल क्या कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता इसी तरह मूसा आल सलासलम अपनी बगल से हाथ निकालते हैं तो वह सफेद चमकदार हो जाता है ये लोग कहते हैं जी अकल नहीं तस्लीम करती कैसा हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में अपना हाथ मुबारक रखते हैं आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूटना शुरू हो जाते हैं लोग कहते हैं जी अकल नहीं मानती हो ही नहीं सकता कहाँ से पानी आ गया क्या जिसम के अंदर नाहदिल्ला कौन सी ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा पानी जो है वो स्टॉक किया हुआ है वहां से निकल रहा है और वो कैसे निकल रहा है तो ये अकल को जब अंदर उसका दखल जो है मानते हैं तो फिर अल्लाह ताला पर कई एतबार से झूठ बोला जाता है तो ये अल्लाह तबारक उत पर झूठ बोलने के चार तरीके हैं जी आयत में क्या फरमाया? फरमाए अला अलाब ये लोग मुफ्तरी जो हैं झूठ बांधने वाले झूठे लोग काफिर मुशरक मुनाफिक लोग कयामत के दिन अल्लाह तबारक उत के सामने इनको पेश होना होगा और सही बुखारी हदीस नंबर छियालीस सौ छियासी हदीस निकालें

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا إن الله يذن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسناتي फिरफिकबारक तो मोमिन को, को करीब करेगा और उस पर अपना दामन डालकर पर्दे में कर देगा फिर उससे कहेगा तू फलां गुना पहचानता है क्या फलां गुनाह को तुम जानते हो वो कहेगा हाँ ऐ मेरे परवरदिगार यहाँ तक कि जब उसे उसके गुनाहों का इकरार करवा लेगा और वो अपने दिल में समझ लेगा कि वो हलाक हो गया तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में तुझ पर इन गुनाहों की वजह से पर्दा डाला और आज मैं तुझे बख्श देता हूँ तो उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी तो ये मोमिन का मामला है आगे क्या रहा काफिर और मुनाफिक तो फरिश्ते कहेंगे अला अलामीन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला सुन लो िमों पर अल्लाह त लानत है तो मुराद क्या है कि जो मोमिन लोग गुना कर लेते हैं उनको मुस्तकिल तौर पर जहनम में दाखिल नहीं किया जाएगा बल्कि अल्लाह तर अगर चाहे तो वह रहाम करेगा जैसे अभी हमने हदीस में सुना है कि अल्लाह तरह करेगा जी आगे क्या फरमायाकुलशहादा उदीन तो इससे मुराद अशहाद कौन है फसरी ने लिखा है कि इससे मुराद फरिश्ते भी हो सकते हैं इसी तरह अम्बिया भी होंगे कि जिन्होंने दावत दी लोगों से लोगों ने आगे कबूल नहीं की इसी तरह उलामा तबका भी इसके अंदर आएगा और किरामन कातिबीन वगैरह ये सारे लोग इसके अंदर शामिल होंगे जो गवाह के तौर पर अल्लाह तहा पेश होंगे आगे फरमायादीना जो यसुद्दौना रोकते हैं अन सबील अल्लाह के रास्ते से वायबना और वो उसमें तलाश करते हैं कजी पन उस बारे आगे क्या कहा और वो बिल आखिरती आखरत का काफिरों इनकार करते हैं जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं और आखरत के साथ कुफर करने वाले भी वही हैं पिछली आयत में जो हमने पढ़ा है अल्लाह ताला पर झूठ बोलने वाले उन्हीं का आगे एक वसफ़ बयान किया कि वो लोग अल्लाह के रस्ते से रोकते हैं कि लोग इस्लाम में दाखिल क्यों हो रहे हैं और दीन के अंदर मुख्तलफ किस्म के कजी और ऐप तलाश करते हैं जैसा सूरा इब्राहिम देखें आयत नंबर तीन अल्लादीनाबून आखिर वन सबीबून वजालाफी वाल और वह जो दुनिया की जिंदगी को आखरत के मुकाबले में पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हैं ये लोग बहुत दूर की गुमराहि में है तो ये जो ऐब है दीन के अंदर तो ये ऐब है ही नहीं देखें सूरत की पहली आयती देखें अलहमदिल्लाम्ह वजह बहारा फरमाते हैं कि इसके अंदर कोई ऐब है ही नहीं इसी तरह सूरत आयत नंबर एक सौ सात में क्या है कि ला तलाफी है आप इसमें कोई कजी देखेंगे ही नहीं मुराद क्या है कजी दिन के अंदर है ही नहीं कोई ऐब है ही नहीं लेकिन ये कितने जालिम लोग हैं ऐब तलाश कर करके लोगों को इस्लाम लाने से दूर करते हैं आगे बारे आला फरमाते हैं उलाए के यही लोग लम वो नहीं थे आजिज करने वाले फिल अर्ज़ी जमीन में माँ काना और नहीं था लहम उन के लिए मिनदून अल्लाह के सिवा मिन अलिया कोई भी हमायती दोस्त युजाआफ दोगना किया जाएगा लहुम उन के लिए अल आजाब आजाब माँ नहीं कानू ये सतीन वो सब ताकत रखते थे असम आज सुनने की पमा कानू युबसरून और ना ही वो हक देखा करते थे इसका बावरा तर्जमा क्या हो जाएगा ये लोग कभी जमीन में आजिज करने वाले नहीं और ना कभी उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार है उनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा और वो ना सुनने की ताकत रखते हैं ना देखा करते थे मतलब क्या है इसका कि ये लोग कभी भी अल्लाह को आज़िज करके उसकी गरिफ से भाग नहीं सकते वो जब पकड़ता है जमीन में भी पकड़ सकता है और आखरत के तो कहने ही क्या युवा لهم العذاب. انكلي عذاب دگنا کیا يا گا جي سورة الأعراف آیت نمبر سنتس. دیکھیں. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفاهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يظلون فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون خلاصه كا هي कि जब ये गुरो दाखिल किए जाएंगे जहन्नुम में तो पहला गुरो आने वालों से क्या कहेगा या अल्लाह ये जो लोग हैं इन्होंने हमें गुमराह किया था

और अल्लाह की राह से रोका हम उन्हें अजाब पर अजाब ज्यादा देंगे और उसके बदले जो वो फसाद किया करते थे तो ये दुगना अजाब जो है अल्लाह तबारक से की तरफ से दिया जाएगा आगे जो फरमाया कि माँ कानूं ये सतीमां कानूं इसका मतलब क्या है यानी कान और आंखें रखने के बावजूद हक बात को सुनते नहीं थे और दूसरा माना यह भी हो सकता है कि उन्हें के साथ इतना था कि बात भी नहीं सुन सकते थे और नाउ गुबिल्ला आपको देखना भी गवारा नहीं करते थे दुनिया में आगे फरमाया फरमायादी खसिरुअम उला इक यही लोग जो खरु खसारे में डाला अनफम अपने आप को वजल्ला और गुम हो गया आन हम उनसे माँ जो कानू याफ्तारून जो वो इफ्तरा बांधते थे तो के में क्या हो जाएगा यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और उनसे वो गुम हो गया जो कुछ वो झूठ गड़ा करते थे दूसरी आयत क्या है ला जारमा कोई शक नहीं इसका मतलब क्या होता है कोई शक नहीं कोई ममानत नहीं असल में ला अलग है जारामा अलग है दोनों को मिलाकर तर्जमा आ, करते हैं तो क्या कोई शक नहीं मुराद क्या है ये बात यकीनी है तो ये लाजारम इकट्ठा इस्तेमाल होता है लाजारम यकीनी बात है कोई शक नहीं अन्ना हम के बेशक फिल आखरत वो फिल आखिरत या आखिरत में हम उलसारून वही ज्यादा खसारा पाने वाले हैं एक होता है अलखासी उसका मतलब होता है खसारा उठाने वाले एक है अलअसारून उसका मतलब क्या है ज्यादा खसारा पाने वाले हैं तो ईसायत करीमा में दोनों आयात में अल्लाह तबारक इस बात को वाजे करना चाहते हैं कि जो झूठे दावे लोग किया करते थे जब अल्लाह की गिरफ्त में अब आगे हैं तो वो सारे के सारे उनके वो दस्तगीर वो दाता वो गन शकर जो दुनिया में उन्होंने बनाए हुए थे वो सारे के सारे उनसे गुम हो गए आज कोई भी उनके काम नहीं आ रहा खुश आयत नंबर छह देखें और जब सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत से मुनकर होंगे और आज क्या है दुनिया में आज लोग कई लोगों की इबादत करते हैं किसी मौलवी के सामने सजदा कर रहे हैं किसी दरबार पर जाकर अपनी जो है न्याज जबी झुका रहे हैं किसी को झुक कर मिल रहे हैं और जो कुछ हो रहा है आप उससे मख्फी नहीं है तो कल कयामत के दिन क्या होगा वो लोग जिनकी इबादत दुनिया में किया करते थे वो लोग इनकार करेंगे कि जी आपने हमारी इबादत की नहीं है हमने कौन सा कहा था आप हमारी इबादत करें आखिरत में ये कैफियत बन जाएगी साथ क्या फरमाया है कि अल अखसरून तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के अंजाम के बारे में ये बताया है कि आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान और खसारा उठाने वाले हैं यही वो लोग होंगे क्योंकि उन्होंने अपने लिए बुलंदियों की बजाय पस्ियों को पसंद कर लिया था जन्नत की नियमतों की बजाय जहन्नुम के खोलते हुए गर्म पानी को जन्नत की आ, अच्छी अच्छी जो नहरें हैं खालिश शराब वाली दूध वाली मीठे पानी वाली और दीगर उनकी बजाय जहन्नुम के नहायत गर्म और खोलते हुए सिया तरीन पानी और धुएं को मोटी मोटी खूबसूरत आंखों वाली होरों की बजाय थोर के खाने और जन्नत के बुलंद वाला महल्लात की बजाय जहन्नम के गढ़ों को इन्होंने दुनिया में पसंद कर लिया था इसकी बारी तला फरमाते हैं कि यही लोग आखरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं आगे बारी तला फरमाते हैं इन लदीन आमनु वामिहात इन न बेशकैन वो जो आमनु ईमान लाए व और उन्होंने आमाल की सालिहत नेक व अखबात और उन्होंने आजजी की इला और अपने रब की तरफ उलाई का यही लोग असहाबुल जन्ना जन्नत वाले हैं हम वो फीह उसमे मुराद जन्नत है हमेशा रहने वाले शायद का बा मुहावरा तजमा क्या हो जाएगा बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक ने आमाल किए और अपने रब की तरफ से आजी की वही जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं जी ये जो फरमाया ना कि अखबतो आज़ी की इखबात का मतलब होता है झुकना आज़ी करना मुतमयन होना अल्लाह तबारक की नमतों के साथ तो ये कौन लोग होते हैं इनकी सिफात अल्लाह तला बयान फरमाते हैं सूरत ल्हाज निकालें आयत नंबर चौंतीस पैंतीस देखें फिल हुक्म इलाद फलाहु असलिम वशरीमुखी तुम्हारा मबूद एक मबूद है उसी की पैरवी करो उसी की बात मानो वबश शरीमुबीन और जो महबित लोग हैं उनको खुशखबरी सुना दीजिए मुफबित लोग कौन से हैं उनकी सिफतें अल्लाह ते बयान फ़रमाई हैं अल्लादीन इरादुखी वलूब हम विन आलामा साबा वमुक़ी सलाजकनाफ़ून मफबीन कौन होते हैं आर्जी करने वाले कौन होते हैं जब अल्लाह तिक्र किया जाता है उसकी आयतें पड़ी जाती हैं वजिलत क़लूब हम उनके दिल डर जाते हैं वाबरीना आला मा अा हम जो भी उन्हें तकलीफ पहुंचती है उस पर सबर करते हैं गोसित होगी तीसरी क्या है वमुकीमला नमाज कायम करते हैं और चौथी क्या होगी रज़क ना वमिम्मिकून जो हमने उनको दिया हुआ रिस्क दिया है उससे वो आगे खर्च करते हैं इसी तरह सूरतुलहज आयत नंबर चौवन निकालें वलियाल अननाक्क उ फतु पितालूब हम

फरीक ग्रोह को कहा जाता है कहते हैं ना एक फरीक़ की बात सुनकर हम फैसला कैसे करेंगे फरीक अव्वल कहाँ हैं फरीक़ैन तो मसलरी दो ग्रोहों की मिसाल कल आमा अंधे की तरह है वल असम और बहरे की तरह है वल बसीर और देखने वाले वमीर वाल और सुनने वाले की तरह है हल यवियन क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं मसलन मिसाल में अफला तो क्या नहीं तब कर तुम नसीहत हासिल करते बा मुहावरा तजमा क्या हो जाएगा दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे और देखने वाले और सुनने वाले की तरह है क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते आप जानते हैं किसी भी चीज को मिसाल के साथ बयान करने से चीज की तस्वीर सामने आ जाती है समझना आसान हो जाता है तो यहां बात करने का मकसद क्या है कि मोमिन देखने और सुनने वाला होता है जबकि काफिर अंधा और बहरा होता है दोनों एक दूसरे की जिद और मुखालिफ हैं एंटी हैं, तो क्या तुम समझते नहीं कि सीधे रास्ते पर अंधा बहरा शख्स कैसे चल सकता है जो खुद रास्ता देख ही ना सके इसीलिए कल कयामत के दिन ये लोग आगे से क्या कहेंगे आ, काफिर लोग लव लो कुन्ना नस्मा अवना अकलुमा कुन्नाफी साइर अगर हम सुनते या समझते होते तो भड़कती आग वालों में ना होते तो यहां से पता क्या चलता है कि मोमिन जो होता है अल्लाह ताला ने उसको बसीरत आता की होती है वो देखने वाला और सुनने वाला होता है जबकि काफिर लोग अंधे होते हैं बहरे होते हैं सीधे बात जो है हक वाली बात या हक वाला रास्ता उनके देखने और सुनने के मुकदर में नहीं होता बिस्मिल रही सराह आयत नंबर नौ निकालिए बारी तला फरमाते हैं इन और यकीनन अगर अवक ना हम चखाए अल इंसान इंसान को मिन्ना अपनी तरफ से रहमतन कोई रहमत सुम न फिर नजाना वो छीन लें वो रमत है मिन हो उससे इन उससे, हो बेशक वो लया ऊसन यक़ीन बहुत नाउमीद कफ़ूर बेहद न शुक्रा हो जाता है अवकना वोक वायका उर्दू में इस्तेमाल होता है उसी से चखना इमाम शौकानी रम्ह फरमाते हैं अवकना के लफज से अदना से अदना नमत थोड़ी सी मुद्दत के लिए मिलना वाजह हो रहा है पहले हम इसायत का इसका बाहरा तर्जा देखते हैं और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाएं, फिर उसे उससे छीन लें, तो बेशक वो यकीनन नहायत ना उम्मीद बेहद ना शुक्र हो जाता है मफहम के लिए हम अगली आयत को भी पढ़ते हैं वाला इन और यकीनन अगर अजक ना हम चखाएं उसे नमा कोई नेमत बा तकलीफ के बाद मसत हो जो उससे पहुंची हो लयकुलना यकी वो कहेगा लाम ताकिद के लिए होता है इसी तरह आखिर में नून ताकि दर ताक़ के लिए होता है तो इसका तर्जमा फिर क्या हो जाता है यकीन जरूर यानी तीन ताकदें जमा हो जाती है इस जिमले में शुरू में लाम ताक़द के लिए है इसी तरह आखिर में नून ये भी ताकीद के लिए होता है तो यकीनन जरूर वो कहेगा वहाबा दूर हो गई चले गई तमाम तकलीफें ये मुझसे तमाम बेशक वो लफर यकीनन बहुत इतराने वाला फकूर बहुत ज्यादा फख्र करने वाला हो जाता है बा मुहावरा तर्जमा क्या है और बेशक अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं किसी तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची हो तो यकीनन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो गईं गई शुबा वो यकीनन बहुत फूलने वाला इतराने वाला और बहुत फखर करने वाला है जी ईसायत में न ऐसी नेमत जिसका असर साहिब नेमत पर जाहिर हो उसके वाजे जो निशानियां हैं वो मौजूद हों इसी तरह जर्रा ऐसी मुसीबत जिसका बुरा असर इंसान पर जाहिर हो ये दोनों आयात अल्लाह तबारक ने जो इर्शात फरमाई है इससे इंसान की जो फितरत है अल्लाह ताला ने वो वाजे की है कि इंसान कैसा है जब उसको नेमत पहुंचती है उसके बाद अल्लाह तक छीन लेता है तो इंसान बहुत ज्यादा नाउमीद और बहुत ज्यादा नशक्री करना शुरू कर देता है और जब उसे कोई नेमत अल्लाह ताला कहते हैं हम देते हैं किसी तकलीफ के बाद तो वो क्या समझता है कि सारी तकलीफें मुझसे दूर हो गई हैं अब मेरे पास हमेशा हमेशा ही अः अल्लाह जो नेमतें दी हुई है हमेशा मेरे पास नेमतें रहेंगी और वो बहुत ज्यादा इतराता है फिर उन नियमतों पर बहुत ज्यादा फख्र करना शुरू हो जाता है तो ये इंसान की फितरत अल्लाह ते बयान की है आगे बारी चाह इस सिस्ना फरमाते हैं इलादीना इल्ला मगर अल्लादीना जो सबरु सबर किया जिन्होंने सबर किया वो वमिलु और अमल किए असालिहात नेक साल की जमा सालिहात, साल सालिहा एक नेकी और सालिहात ज्यादा किया उला यही लोग

तंगी के बाद अल्लाह ताला खुशहाल करता है तो बहुत ज्यादा उस पर इतराता है अल्लाह ताला शुक्रिया अदा करने की बजाय तकबर और फखर करना शुरू कर देता है तो उससे अल्लाह ताला ने अगली आयत में क्या इशाद फरमाया कि जो लोग सबर करते हैं और नेक आमाल करते हैं वो उन लोगों में से नहीं है यानी साबिर मोमिन का ये हाल नहीं है ना वो राहत में फूलता है और ना मुसीबत में रब की रमतों को भूलता है सूरतुल्बारा

एक सौ तक देखिए। इसी तरह सूरतल मारिज आयत नंबर उन्नीसता पैंतीस निकालें इनानलुआ इजाम खईरुआसिनदी फीम हक मालूम आखिर तक ये आयत नंबर पैंतीस तक ये सारा देखें इससे भी मालूम होगा मोमिन का हाल क्या होता है अच्छा ये जो सबर है ना ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की सैद नाबू मालिक अशारी रबील बयान फरमाते हैं रसूल वसल्लम ने फरमाया नूर नमाज नूर है और सदका दलील है सबर रोशनी है कुरान दलील है आपके हक में या आपके खिलाफ तो ये जो सबर होता है ना ये रोशनी है सही मुस्लिम हदीस नंबर पांच है ये इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर पैंसठ सौ चवालीस निकालें अबूहुर रबील हदीस हैं रसूल ने फरमाया मोमिन की मिसाल पौधे की पहली निकली हुई हरी शाख जैसी है जब भी हवा चलती है उसे झुका देती है फिर वो सीधा होकर मुसीबत बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है और फाजर और बदकार की मिसाल सोनोबर के दरख्त जैसी है वो सख्त होता है और सीधा खड़ा रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला जब चाहता है हवा के जरिए उसे उखाड़ फेंकता है तो सबर की मिसाल आपने देख ली इसी तरह जनाबी अब्दुल्ला हिब अब्बास रफी की हदीस सही बुखारी हदीस नंबर पैंसठ सौ सैतालीस में मौजूद है बयान फरमाते हैं रसूल सरमाया किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचती मगर अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके गुनाहों को झाड़ देता है जिस तरह खजा में दरख्त के पत्ते जड़ जाते हैं इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर पच्चीस सौ बहत्तर निकालिए आप वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान को अगर कोई कांटा भी चुपता है या कांटे से बढ़कर कोई तकलीफ उसे पहुंचती है तो उसके ईब अल्लाह उसका एक दर्जा लिख देता है और उसके साथ एक गुना उसका

क्योंकि उसका हर काम ही खैर है और यह चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है चुनाचे उसके लिए खैर लिखती जाती है और अगर उसे कोई तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है तो वो सब्र करता है यह भी उसके हक में खैर होती है इसी तरह मुस्तद अहमद की हदीस में अल्फाज क्या है आप फरमाते हैं मोमिन को जो भी फिक्र और गम पहुंचता है उसके त उसके जो दराजात हैं वही बुलंद करता है जैसे अभी हमने सही मुस्लिम के हदीस भी पहले सुनी है तो पिछली दोनों आयात और इसी तरह ये जो हमने आयत अभी पढ़ी है सबारो वाली इससे पता चलता है कि तमाम जो इंसान है उनकी नेचर फितरत अल्लाह ने ती बनाई बल्कि यहां से बहुत बड़ा अहम नुकता ये भी निकलता है कि ना उम्मीद हो जाना ये ना शुक्रिया है और कुफर है ये मायूस हो जाना अल्लाह ताला से ये कुफ़र है जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा ना इन्ना हुआ ओसन कफूर ये जो अल्लाह ताला की नेमत से जो उसे अल्लाह ताला छीन लेता है परेशान अगर हो जाता है ना उम्मीद हो जाता है तो ये हद से तजावुज है मुराद क्या है कि वो कुफर कर बैठता है इसलिए अल्लाह त हर हाल में उसका उसकी तारीफ़ की जाए शुक्र किया जाए मोमिन का मामला आपने पढ़ लिया कितना खैर वाला है अगर उसका तकलीफ पहुंचती है तो वो सबर करता है उस सबर के जरिए अल्लाह उसको अज़र देता है इसी तरह जब उसको नियमतें मिलती हैं तो फूलता नहीं है इतराता नहीं है बल्कि क्या करता है अल्लाह तुक करता है और कुरान ने आप इस बात को वाजे किया है कि शुक्र अदा करेंगे उनको अल्लाह तजीद आता फरमाते हैं तो इसलिए मोमिन का मामला बड़ा खैर वाला होता है आगे बार फरमाते हैं फलाह अल्लाह का शायद आप तारिक छोड़ देने वाले हैं बाज़ा, बाज़ माजो युहा वही की जाती है इलैका आपकी तरफ वज़ाइख और तंग होने वाला है बिही उस वजह से सदर का आपका सीना मुबारक अन के यक़ूल वो कहेंगे मुराद काफिर लोग हैं लौला लो क्यों नहीं उन ज़िरा नाज़िल किया गया علیہ इस पर कोई खजाना या क्यों नहीं आया उसके साथ मलकुन कोई फरिश्ता इन नजीर डराने वाले हैं वल्लाह और अल्लाह लिशे इन हर चीज पर वकील उन खूब निगरान है इसका मुहावरा तर्जमा क्या हो जाएगा फिर शायद आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ वही की जाती है और उस वजह से आपका सीना तंग होने वाला है कि वो कहेंगे इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया तो आप सिर्फ डराने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज पर खूब निगरान है जी कुफार हर वक्त कोई ना कोई मुआवजा लाने की फरमाइश करते रहते थे कभी कहते कि आप पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया चलिए आप बहुत पहाड़ को सोने का बना दें हमारे लिए खजाना बन जाए ये आपके साथ कोई अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता क्यों नहीं आया हमें पता चले कि आप वाकई अल्लाह ताला की तरफ से कुरान लेकर आते हैं और इस तरह की बड़ी अजीब और गरीब फरमाइशें उन्होंने की अः सोरा बनी इसराइल आयत नंबर नब्बे से तिरानवे देखें इसी तरह सूरभ उर्खान आयत नंबर सात आठ क्या है बारी ताला फरमाते हैं वक़ाल उमादर रसूल يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کی طرح کوئی فرشتہ کیوں نہ उतारा गया कि उसके साथ डराने वाला होता या उसकी तरफ कोई खजाना उतारा जाता या उसका कोई बाग होता जिससे वो खाया करता और जालिमों ने कहा कि तुम तो बस ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू किया हुआ है नाहजुबी तो ये इनके मुतालबात और तानो तशनी से तंग आकर आप चूंकि कुछ परेशान हो गए थे इसलिए आप सल्लाम तहाँ तसल्ली देना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ परेशान नहीं होना बल्कि शिरक की मजम्मत करते रहना है तोहिद के इस बात के लिए आपसे जो कुछ हो सके आपने वो करते रहना है जी वही सदर का माना क्या है कि इसके साथ आपका सीना तंग होने वाला है सूरतर आयत नंबर स्तानवे निकाले बार फरमाते हैं आलम का सदर का बीमा और बिला शुबा यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपका सीना उससे तंग होता है जो वो कहते हैं मुराद इससे एक घुटन सी है कि मैं लिवजा अल्लाह ताला की खातिर ये सारा काम करता हूं तो फिर ये लोग जिनसे मैं कुछ भी तलब नहीं कर रहा फिर भी ये मुझे बातें कर रहे हैं और तरह तरह के मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इससे आप सल्लाह को परेशानी लायक होती थी तो उसका अल्लाह ते आप सल्ह को हौसला दिया कि आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना आप सिर्फ डराने वाले हैं डराइए लिहाजा किसी मलामत करने वाले की कोई मलामत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आगे क्या कहा कहाश इन वकील अल्लाह ताला हर चीज पर खूब निगरानी कर रहा है मुराद क्या है अल्लाह ताला देख रहा है कि नबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है अपना फरीजा सर अंजाम दे रहा है और दूसरे लोग उनका रद्द अमल क्या है ये सारी चीजें अल्लाह ताला की निगरानी में हो रही है मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ये सारी चीजें देख रहा है और कल कयामत के दिन जो नेक काम करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला अजरा अता फरमाएगा और इसी तरह जो अम्बिया को अलिया को अलमा और दीनदार तबका जो लोग हैं उनको जो लोग परेशान करते हैं अल्लाह कहता है कि मैं हर चीज पर खूब निगरान हूं कल क्यामत के दिन दोनों को जजा सजा देने पर मैं खूब कादर हूं इसलिए अल्लाह के पैगम्बर सल्हम अपनी परेशानी होना अपना काम बराबर आप जारी रखिए ये लोग जो आपको तंग कर रहे हैं कल क्यामत के दिन इनशा ये हमारे दरबार में हाजिर किए जाएंगे फिर हमारा और इनका मामला है कि हम इनके साथ क्या सलूक करते हैं आगे बारी फरमाते हैं अम क्या यकूलो वो कहते हैं इफ्तारा उसने खुद गढ़ लिया है इसे कुल कह दीजिए

फिर उस जैसी दस सूरतें गड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे तुम बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो हमने पहले भी पढ़ा था एक होता है कबीब काफा इसका मतलब होता है झूठ एक होता है इफ्तराह इसका मतलब भी झूठ होता है लेकिन इनमें फर्क क्या है इफ्तराह का लफ खास है झूठ क्या होता है कबीब किसी ने कोई झूठी बात सुनी और उसको आगे पेश कर दिया हम क्या कहेंगे इसने झूठ बोला है लेकिन अफ्तराह क्या होता है कि आदमी कहीं से बात ना सुने अपनी तरफ से कोई गलत बात बनाकर किसी पर थोप दे इसे क्या कहते हैं इफ्तराह तो ये लोग ये नहीं कहते थे कि किसी तरफ से सुनकर आगे बयान कर देता है यानी कुरान को नहीं कहते थे कि झूठा है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल वसलम खुलाउुबिल्ला झूठा कहते थे कि ये अपनी तरफ से कुरान बनाता है तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा चैलेंज किया इनके साथ कि हमारे इस चैलेंज का जवाब दीजिए अगर वाकई तुम सच्चे हो अल्लाह ताला के सिवा जिनको तुम चाहते हो जादूगरों को बड़े फुसाहा बुलागा को जितने तुम चाहते हो बलीग लोग हैं